हे गाइस, कैसे होंगे आप लोग? आई होप कि आप अच्छे होंगे. गाइस, IBPS PO की बात करें तो प्री के एग्ज़ाम्स हो गए, मेंस के एग्ज़ाम होने हैं. तो एक बार प्री के एग्ज़ाम्स में क्या क्या चीज़ें हुई उस पर हम थोड़ा सा एक बार चीज़ों को देख लेते हैं और आगे मेंस के एग्ज़ाम के लिए हम रेडी रहते हैं. तो एक बार एनालिसिस की बात कर लेते हैं. तो गाइस, स्टार्टिंग करेंगे इंग्लिश की. और आपको बताया कि इंग्लिश 30 मार्क्स का आता है. और इंग्लिश की बात करें तो 8 क्वेश्चन आए एरर से, 8 क्वेश्चन, और 5 क्वेश्चन आए फ्रेज रिप्लेसमेंट से, फ्रेज रिप्लेसमेंट से, और 5 क्वेश्चन आए क्लोज टेस्ट से. तो 5 क्वेश्चन क्लोज टेस्ट से, 5 फ्रेज रिप्लेसमेंट और 5 आपका वर्ड इंटरचेंज से क्वेश्चन आए. और जो क्लोज टेस्ट आए तो लर्निंग रिलेटेड, द स्टूडेंट लर्निंग न्यू थिंग्स, उस पर कुछ क्वेश्चन आए. आगे बात करें गाइस तो 8 क्वेश्चन आए RC से, और RC में चाइना स्कूल एजुकेशन सिस्टम कंपैरिजन विथ UK एंड USA पर आए. यानी कि आपको जियो पॉलिटिक्स से बातें भी पता होनी चाहिए. फिलहाल ये टॉपिक टफ होगा जहाँ तक मुझे लगता है, ठीक है. उसके बाद तो ये आपके थे, मतलब 8 क्वेश्चन आपके RC से आए, 5 क्वेश्चन क्लोज टेस्ट, 5 क्वेश्चन फ्रेजल रिप्लेसमेंट, 5 क्वेश्चन वर्ड इंटरचेंज और 8 क्वेश्चन एरर से आए, ठीक है गाइस. आगे बढ़ेंगे, बात करेंगे मैथ की. तो मैथ में 35 क्वेश्चन थे, ठीक है. 5 क्वेश्चन अप्रोक्सीमेशन से आए थे, 5 क्वेश्चन क्वाड्रेटिक इक्वेशन से आए थे, क्वाड्रेटिक इक्वेशन से आए थे, ठीक है. और 3 क्वेश्चन DI से आए थे, जिसमें लाइन ग्राफ से एक क्वेश्चन था, उसमें टेबल मैन एंड फीमेल कैसलेट DI आई थी, बॉयज एंड गर्ल्स पे आई थी. तो 3 DI का मतलब एक लाइन ग्राफ से आ गया, एक आपका टेबल से आया था मेल फीमेल, और एक आपका आ गया कैसलेट DI, बॉयज एंड गर्ल्स डेटा गिवन था, ठीक है. यानी कैसलेट से क्वेश्चन आ रहे हैं, टेबल से आए हैं, लाइन ग्राफ से क्वेश्चन आए हैं. चलिए, और 10 नंबर अर्थमेटिक क्वेश्चन मिसलेनियस थे. तो वो भी आपको पता है कैसे क्वेश्चन का लेवल होगा, लेवल की हम बात करेंगे बाद में करेंगे. इसके बाद गाइस अगर हम बात करें रीजनिंग की, तो रीजनिंग में 35 क्वेश्चन आए, जिसमें से अगर हम बात करें गाइस तो आपके 3 क्वेश्चन पजल से आए. और ये 3 क्वेश्चन जो पजल से आए वो मंथ बेस पे थे, मंथ बेस पे थे. 10% थे, लाइनर फेसिंग नॉर्थ था, और 6% मतलब थे, ठीक है. तो 10 और 6% थे, तो याद रखना है आपको. स्क्वायर टेबल 8%, मिडिल इनसाइड कॉर्नर आउटसाइड थे, इनसाइड कॉर्नर आउटसाइड थे. तो मतलब कहने का मतलब पजल बिल्कुल पजल की तरह था, है? और ईयर बेस पजल था ये. उसके बाद 5 क्वेश्चन इनइक्वालिटीज से आए थे, 5 क्वेश्चन कोडिंग डिकोडिंग चाइनीज वाले से आए थे, ठीक है. स्पॉन्सर लेटर इज गिवन कंसोनेंट रिप्लेसमेंट विद प्रीवियस लेटर एंड वॉवल्स रिप्लेसमेंट विद नेक्स्ट लेटर. क्वेश्चन तो सिंपल होते हैं, मतलब सिंपल का मतलब ये होता है कि मतलब आप कर सकते हो अगर आपकी प्रैक्टिस होगी तो. 3 क्वेश्चन ब्लड रिलेशन से आए थे गाइज, और स्टूडेंट ने बताया कि मतलब अच्छे लेवल के थे. 1 नंबर इज गिवन एज 1 इन इवन नंबर इज इन सब्सट्रैक्ट इन ऑड नंबर. पेपर्स वॉज मॉडरेट. गुड अटेम्प्ट की बात करें तो देखो, बच्चों ने तो बहुत अटेम्प्ट किया, बच्चों ने बहुत अटेम्प्ट किया है. लेकिन मेरे हिसाब से जो मैं क्वेश्चन देख रहा हूँ, अगर मैं इंग्लिश की बात करूँ, अगर मैं रीजनिंग की बात करूँ, मैथ की बात करूँ, क्वांट की, तो मेरे हिसाब से गुड अटेम्प्ट की बात करें गाइस, तो आप मान के चले कि अगर आपने 65 से ऊपर अटेम्प्ट किए हैं, 65. लेकिन देखो, अब अटेम्प्ट का मतलब ये भी है कि आपको एक्यूरेसी भी देखनी है. अटेम्प्ट 100 कर दो, एक्यूरेसी ना हो तो मतलब ही नहीं. अगर आपने 65 से अटेम्प्ट अच्छे किए हैं तो ठीक है, लेकिन मैं बोलूँगा गुड अटेम्प्ट है 70 या उसके ऊपर, ठीक है. तो ये था आपका पूरा एक एनालिसिस, मैंने बड़े शॉर्ट में, बड़े क्रिप्स फॉर्म में आपको समझा दिया. आई होप कि आपको बातें समझ में आ गई होंगी सारी की सारी, ठीक है. तो गाइस, थैंक यू सो मच. अपना ख्याल रखिए, मेंस की तैयारी करिए, और मेंस क्वालिफाई करना है इस बार, क्लैरिकल के भी एग्जाम्स पास करने हैं, जो भी निकल जाए. थैंक यू सो मच गाइस, आपका दिन शुभ. थैंक यू सो मच.